लॉजिक, मेरी फर्स्ट क्वेश्चन, इफ पी एंड क्यू आर ट्रू, आर एंड एस आर फॉल्स, फाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि ये सारी चीजें दी है, उसके पहले हम आपको फॉर्मूला याद करवाते हैं। यू नो दैट पी एंड टी क्या होता है, टी एफ और एफ, एफ होगा टी इंप्लाइज एफ, एफ होता है टी डबल इंप्लाइज पी, टी होता है एफ डबल इंप्लाइज एफ, पी होता है निगेशन ऑफ टी, एफ होगा और निगेशन ऑफ एफ पी होगा। सो मेरे प्यारे दोस्तों, ये फॉर्मूलाज है जो आपको ट्रूथ वैल्यू और ट्रूथ टेबल दोनों जगहों पर काम आएंगे। नाउ अब हम इस सम के सॉल्यूशन को देखते हैं। नाउ क्या दिया गया आपको, सबसे पहला दिया गया है निगेशन ऑफ दिस, इसका हमें निगेशन निकालना है। हमें पी की वैल्यू बता दी गई है कि पी और क्यू, इसे आप ट्रूथ एज्यूम कर लो, आर और एस आप इसे फॉल्स एज्यूम करो। हम क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे, निगेशन ब्रैकेट ब्रैकेट निगेशन, चलिए पी के प्लेस पे क्या लिखना है आपको, पी, और एस के प्लेस पे क्या लिखना है आपको, एफ। ध्यान में रखिए, केयरफुली करते जाइए। एंड निगेशन, क्यू के प्लेस पे क्या लिखना है, टी, एंड आर के प्लेस पे क्या लिखना है आपको, आर के प्लेस पे लिखना है एफ, ब्रैकेट क्लोज क्लोज। होप दैट पहला स्टेप समझा होगा, पी के प्लेस पे टी, क्यू के प्लेस पे टी, आर के प्लेस पे एफ और एस के प्लेस पे एफ, ये हमने फर्स्ट स्टेप में किया। इज इक्वल टू निगेशन ब्रैकेट, व्हाट इज निगेशन ऑफ टी, निगेशन ऑफ टी इज एफ और एफ ब्रैकेट, एंड व्हाट इज निगेशन ऑफ टी, दैट इज एफ एंड ये एफ एज इट इज, ब्रैकेट क्लोज। नाउ निगेशन ऑफ, व्हाट इज एफ और एफ, तो आप देख सकते हैं एफ और एफ क्या होता है हमारे स्टूडेंट्स, एफ और एफ इज एफ, तो आप इस प्लेस पे एफ लिख देंगे, तो निगेशन ब्रैकेट में एफ एंड, व्हाट इज एफ एंड एफ, एफ एंड एफ क्या होगा एंड के केस में, दोनों टी होगा तो टी, अदरवाइज एफ हो जाएगा, राइट, अदरवाइज एफ, तो व्हाट इज एफ एंड एफ, दैट इज एफ इज इक्वल टू निगेशन। अगेन व्हाट इज एफ एंड एफ, एफ एंड व्हाट इज निगेशन ऑफ एफ, दैट इज टी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन दिया था उसका ट्रूथ वैल्यू हो गया टी, ट्रूथ वैल्यू इज टी। सो दिस इज 3 मार्क्स प्रॉब्लम, और ये आपके ऑब्जेक्टिव में अगर आया तो 1 मार्क का प्रॉब्लम है। लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, राइट द ट्रूथ वैल्यू, वापस आपको ट्रूथ वैल्यू पूछा है, ध्यान से पढ़िएगा, ट्रूथ वैल्यू पूछा है और आपको वर्बल फॉर्म दिया है। द सन राइजेज इन द ईस्ट इफ एंड ओनली इफ 4 + 3 = 7, तो यहाँ पे आपको क्या करना है हमारे स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप कनेक्टिविटी ढूंढो, यहाँ कनेक्टिव है इफ एंड ओनली इफ, ये आपका कनेक्टिव हुआ। द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये आपका पी हो गया, द सन राइजेज इन द ईस्ट, इफ एंड ओनली इफ के बाद क्या लिखा है, 4 + 3 = 7, वो आपका क्यू हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये ट्रू है कि फॉल्स, तो ये स्टेटमेंट है ट्रू, 4 + 3 = 7 होता है, ये भी ट्रू है, तो आपको लिखना है पी इज ट्रू, क्यू इज ट्रू, ये हो गया आपका स्टेप 1। इसके बाद आपका आता है स्टेप 2, स्टेप 2 में आपको क्या करना है, सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नाउ व्हाट इज द सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये आपका पी है, इफ एंड ओनली इफ का सिंबल बना दो, 4 + 3 क्या है, 7, दैट इज क्यू, उसमें आपने क्यू बोला था, दिस इज स्टेप 2, दैट इज सिंबॉलिक फॉर्म। स्टेप 3 में आपको ट्रूथ वैल्यू कैलकुलेट करना है, ट्रूथ वैल्यू, और इस पी, पी तो ट्रू है तो पी के प्लेस पे टी लिखेंगे, डबल इंप्लाइज क्यू, व्हाट इज क्यू, क्यू भी ट्रू है, क्यू के प्लेस पे टी लिखिए, टी डबल इंप्लाइज टी, माय डियर स्टूडेंट्स टी होता है, व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ द सम, द करेक्ट आंसर ऑफ द सम इज ट्रू। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन पढ़ के आंसर नहीं लिखना है,
आपको पहले इसे p और q कंसिडर करना है, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है और ट्रूथ वैल्यू फाइंड करना है। इट इज 3 मार्क्स प्रॉब्लम। अगर ये 3 मार्क्स के लिए आया सो स्टेप 1 पे 1 मार्क, स्टेप 2 पे 1 मार्क और स्टेप 3 पे 1 मार्क मिलेगा, दैट इज द 3 मार्क्स। प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, री राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विदाउट यूजिंग कनेक्टिव इफ देन। आपको ये जो क्वेश्चन दिया गया है वो इफ देन के फॉर्म में है, आपको बोलता है इसे रीराइट करो। रीराइट करो मतलब वापस लिखो, लेकिन वापस लिखने के टाइम पे आपको इफ देन का यूज नहीं करना है, इफ देन का यूज नहीं करना है। कैसे करेंगे, लेट अस स्टार्ट सॉल्यूशन। स्टेप 1, सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स, स्टेप 1 में आपको ये इफ है और ये देन है, तो ये इफ देन तो कनेक्टिव हुआ, तो इफ देन के बीच में क्या लिखा हुआ है पढ़ो उसे अच्छे से। क्वाड्रिलेटरल इज रोम्बस, और देन के बाद क्या है, इट इज नॉट अ स्क्वायर। तो आपको सबसे पहले लेट पी और लेट क्यू करना है। तो लेट पी, व्हाट इज पी, अ क्वाड्रिलेटरल इज रोम्बस। क्यू, व्हाट इज क्यू, इट इज नॉट अ स्क्वायर। स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में आप क्या करिए, स्टेप 2 में आप सिंबॉलिक फॉर्म में लिखिए इसे, सिंबॉलिक फॉर्म। व्हाट इज सिंबॉलिक फॉर्म, इफ देन का है तो पी, इफ देन का सिंबल लगाइए क्यू। नाउ स्टेप आफ्टर दिस हमें क्या करना है, वी नो दैट, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या लिखना है, वी नो दैट, हमें क्या पता है माय डियर स्टूडेंट्स, वी नो दैट कि P implies Q जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है नॉट P और Q। P implies Q किसके इक्विवेलेंट होता है, नॉट P और Q के। तो स्टेप 3 में आपका रीराइट स्टेटमेंट आएगा, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट कैन बी रीराइट एज कॉमा करके। आपको ये फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, नॉट पी और क्यू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉट पी, तो पी में नॉट डाल दो, क्वाड्रिलेटरल इज द रोम्बस, ये पी था आपका, तो व्हाट इज नॉट पी, द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट अ रोम्बस। आंसर आएगा अ क्वाड्रिलेटरल, अ क्वाड्रिलेटरल इज नॉट अ रोम्बस। फिर ये सिंबल किसका है, ये सिंबल है और का, और क्यू, व्हाट इज क्यू, क्यू इट इज नॉट अ स्क्वायर, और इट इज नॉट अ स्क्वायर। ये हो गया माय डियर स्टूडेंट्स फाइनल आंसर। तो होप दैट आपको समझा होगा कि इस तरह के क्वेश्चन को हम रीराइट कैसे करेंगे विदाउट यूजिंग इफ देन। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा फाइनल आंसर आया उसमें हमने कहीं भी इफ देन का यूज नहीं किया है। सो दिस इज अ वे जब आप सेंटेंस को रीराइट करोगे विदाउट यूजिंग इफ देन। इज दैट क्लियर एवरीवन, कमेंट करना ना भूले माय डियर स्टूडेंट्स। जितने संस्कार आ रहे हैं इसे आप बुक में नोट डाउन करें और इसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, इट इज वेरी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। नाउ पी एंड नॉट क्यू एंड पी इम्प्लाइज क्यू, एग्जामिन करना है कि ये टॉटोलॉजी है कि कॉन्ट्राडिक्शन है कि कंटिंजेंसी है। सो टॉटोलॉजी का मतलब होता है ऑल एंट्रीज आर पी इन द लास्ट कॉलम, इफ इन द लास्ट कॉलम ऑल एंट्रीज एफ देन कॉन्ट्राडिक्शन, और टी और एफ का मिक्सचर आया तो कंटिंजेंसी। सो माय डियर स्टूडेंट्स आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले पता करेंगे हाउ मेनी रोज एंड हाउ मेनी कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। नाउ व्हाट इज नंबर ऑफ रोज, दैट इज 2 raised to n। नाउ 2 raised to n कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, व्हाट इज n, n यहाँ पे आपका स्टेटमेंट है। तो व्हाट इज स्टेटमेंट, यहाँ पे p है और q है, दो ही स्टेटमेंट है, p q r s। तो आप काउंट करो कितने लेटर है, p q, ठीक है, दो बार है, तो 2 का स्क्वायर दैट इज 4। इज दिस क्लियर।
आपको जितने भी स्टेटमेंट आएंगे उस स्टेटमेंट में आप प्लस टू करके रो बना लीजिए, प्लस टू दैट इज फोर टू चाहिए ही। तो देखो आप देख सकते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो आपको जो भी आएंगे माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ, टू रेस टू टू आया दैट इज फोर आया, बट जो भी आंसर आएगा उसमें आप दो रो ऐड कर दो तो आप सिक्स रो बनाएंगे। कॉलम कितने आएंगे ध्यान दो, नंबर ऑफ कॉलम्स, सिंबल आंसर इज एम प्लस एन। व्हाट इज एम, एम जो है यहाँ पे कनेक्टिव्स है, क्या है कनेक्टिव्स, कितने कनेक्टिव्स है काउंट करिए, चलो केयरफुली काउंट करो, देखो यहाँ पे काउंट करते हैं हम लोग, वन टू थ्री फोर, हाउ मेनी कनेक्टिव्स, फोर कनेक्टिव्स, तो m हो गया फोर, हियर m इज कनेक्टिव्स फोर प्लस, व्हाट इज n, n आपका है नंबर ऑफ लेटर्स दैट इज स्टेटमेंट, p q दो ही है तो फोर प्लस टू सिक्स, तो आपको टोटल सिक्स कॉलम्स लगेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स नंबरिंग कर दो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये आपके सिक्स कॉलम्स हो गए, और सेकेंड लाइन में आप हेडिंग डालोगे, हेडर, तो चलो पहला लेटर क्या है p, दूसरे कॉलम में q, तीसरे कॉलम में क्या आएगा, तो आप क्या करोगे आप ब्रैकेट वाइज जाओगे, ये पहला ब्रैकेट देखो, पहले ब्रैकेट में क्या है P, तो P तो हम लिख चुके हैं, ये N जो है कनेक्टिव है, फिर नॉट Q, तो थर्ड कॉलम क्या आएगा आपका नॉट Q, फोर्थ कॉलम में आपका आ जाएगा P एंड नॉट Q, P एंड नॉट Q, फिफ्थ कॉलम आपके पास P है, आपके पास Q भी है, आपका आ जाएगा P इंप्लाइज Q, तो माय डियर स्टूडेंट्स लास्ट कॉलम में इतना बड़ा लिख पाना पॉसिबल नहीं है, तो आप पहले मार्किंग करो ये कौन से कॉलम नंबर में है, ये कॉलम नंबर है फाइव, ये आपका कौन सा कॉलम है, ये आपका कॉलम नंबर है फोर, और बीच में साइन क्या है, बीच में साइन है एंड का, तो लास्ट कॉलम में आप लिखेंगे फोर एंड फाइव, इज दैट क्लियर, इतना बड़ा आप नहीं लिख पाओगे ना, तो आप इस तरह से लिखिए। चलो अब हमें कितने रो की जरूरत थी, देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें टोटल फोर रोज की जरूरत थी, यहाँ पे आप देख सकते हो वन टू थ्री फोर, देर आर फोर रोज, आप क्या करोगे आप सबसे पहले P में दो बार T लिखोगे और दो बार F, Q में T F T F, नॉट Q, व्हाट इज नॉट Q, दैट इज Q का निगेशन, तो ये T है तो T के जगह पे क्या हो जाएगा F, निगेशन लिखना है F, ये F है तो क्या हो जाएगा T, इज दिस क्लियर, तो क्या आएगा F T F, चलो फोर्थ कॉलम दैट इज पी, पी का मतलब ये वाला, एंड नॉट क्यू, नॉट क्यू का मतलब ये वाला, तो कॉलम नंबर वन कॉलम नंबर थ्री, बीच में सिंबल किसका है एंड का है, बीच में सिंबल किसका है एंड का, वन थ्री में एंड का सिंबल, ये देख सकते हैं आप एंड का सिंबल, तो आप थोड़ा एंड का फॉर्मूला रिकॉग्नाइज करो, एंड का फॉर्मूला क्या था माय डियर स्टूडेंट्स, एंड का फॉर्मूला बोलता है टी एंड टी होगा तो टी आएगा, तो आपको वन नंबर में और थ्री नंबर में दोनों में अगर टी रहा तो आप टी लिखो, कैसे करोगे आप, चलो वन नंबर और थ्री नंबर, ये टी टी दोनों टी है क्या, नहीं है तो स्किप करो, चलो टी टी यस दोनों टी है यस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा टी, चलो यहाँ पे टी है ही नहीं, यहाँ पे भी टी नहीं है, तो अगर दोनों टी होगा तो टी लिखना है, अदरवाइज आपको सारी एंट्रीज क्या लिख देनी है, बाकी सारी एंट्रीज एफ लिख देनी है, दैट समझा होगा ना, चलो फिफ्थ कॉलम में चलते, P P मतलब एक नंबर, Q का मतलब दो नंबर, और इनके बीच में कौन सा साइन है, इफ देन का, तो इफ देन का फॉर्मूला क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, इफ देन का फॉर्मूला आपको अगर जरा हम याद कराएं, तो इफ देन का फॉर्मूला था T implies F वन नंबर में एंड टू नंबर में, आपको टी एफ एफ देखना है, टी एफ एफ, चलो लेट्स कंटिन्यू, स्टार्ट करते हैं टी एफ एफ, टी एफ नहीं है, टी एफ यस, टी एफ मिल गया तो टी एफ क्या होगा एफ, चलो अब यहाँ पे तो टी है ही नहीं, यहाँ पे भी टी नहीं है, तो आगे का सवाल और दिस इज फाइव, इनके बीच में एंड चाहिए, तो एंड का फॉर्मूला क्या कहता है, टी एंड टी टी एंड टी टी होगा, लेट्स कंटिन्यू, तो दोनों टी होगा तो टी, दोनों टी है क्या, नहीं है, दोनों टी है नहीं है, दोनों टी है नहीं है, दोनों टी है नहीं है, सो माय डियर स्टूडेंट्स
यहाँ पे एंट्री आ जाएगी एफ, क्योंकि कहीं भी हमें दोनों के दोनों पी नहीं मिला। सो आपने क्या देखा, इन द लास्ट कॉलम ऑल एंट्रीज क्या आ गई, एफ। तो यहाँ पे लिखना है सिंस इन द लास्ट कॉलम ऑल द एंट्रीज आर एफ, सारी एंट्री एफ है, देयरफोर गिवन स्टेटमेंट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज द फाइनल आंसर। सो माई डियर स्टूडेंट्स, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट सम फॉर 4 मार्क्स। अगर ये 4 मार्क्स का सम हुआ तो आपको मार्क्स कहाँ मिलेगा, आपको कॉलम नंबर 4 पे 1 मार्क, कॉलम नंबर 5 पे 1 मार्क, कॉलम नंबर 4 पे 1 मार्क, कॉलम नंबर 5 पे 1 मार्क, कॉलम नंबर 6 पे 1 मार्क, और आपको फाइनल 1 मार्क ये फाइनल आंसर पे आएगा। दिस इज अ 4 मार्क्स प्रॉब्लम, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सेम टाइप का सम है माय डियर स्टूडेंट, टॉटोलॉजी कॉन्ट्राडिक्शन एंड कंटीजेंसी वापस आपको पता करना है। आप क्या करेंगे, चलिए फटाफट एंट्री मारते हैं, 1 2 3 4 5 6। चलिए फर्स्ट कॉलम में एंट्री क्या आएगी माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट कॉलम में आएगा पी, चलो सेकंड कॉलम में आएगा क्यू, थर्ड कॉलम में आएगा पी इंप्लाइज क्यू, नेक्स्ट फोर्थ कॉलम में क्या आएगा नॉट पी, फिफ्थ कॉलम में आएगा नॉट पी और क्यू, दैट इज कॉलम नंबर, ये कॉलम नंबर 5 है, पी इंप्लाइज क्यू आपका कॉलम नंबर 3 है, तो लास्ट कॉलम में आएगा 3 डबल इंप्लाइज 5। लेट अस कंटिन्यू, पी में 2 बार पी, 2 बार एफ, टी एफ टी एफ। चलो इंप्लाइज का फॉर्मूला क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, तो इंप्लाइज का फॉर्मूला होता है टी एफ एफ, टी एफ एफ होगा इंप्लाइज के फॉर्मूले में, राइट। तो टी एफ देखो, यहाँ टी एफ है क्या, नहीं है टी एफ, यस यहाँ पे टी एफ मिल गया आपको, तो यहाँ पे टी एफ क्या आ जाएगा एफ, बाकी सारी एंट्रीज क्या आ जाएगी माय डियर स्टूडेंट्स, बाकी सारी एंट्रीज आ जाएगी पी। चलो निगेशन ऑफ पी, तो आपको पी का निगेशन लिखना है, पी का क्या लिखना है निगेशन, मतलब पी होगा तो एफ लिखना है, एफ होगा तो टी लिखना है। लेट्स कंटिन्यू, तो टी टी एफ एफ है, तो आंसर क्या आ जाएगा बोलो, आंसर आ जाएगा एफ एफ पी पी। चलो निगेशन पी मतलब 4 नंबर और क्यू, क्यू का मतलब 2 नंबर, तो 4 नंबर और 2 नंबर और का फॉर्मूला है, राइट। तो आपको कॉलम नंबर 2 में देखना है, कॉलम नंबर 4 में देखना है, और क्या देखना है, कॉलम नंबर 2 और 4 दोनों में अगर एफ होगा तो आंसर एफ आएगा, राइट। चलो एफ है क्या दोनों, नहीं है, नेक्स्ट यहाँ पे एफ, यहाँ पे एफ, यस मिल गया हमें, यहाँ पे क्या आ जाएगी एंट्री, यहाँ पे एंट्री आ जाएगी एफ, इफ बोथ एफ तभी एफ होगा, यहाँ पे नहीं मिला, यहाँ पे भी हमें नहीं मिला, राइट। तो बाकी एंट्रीज क्या आएगी माय डियर स्टूडेंट्स, बाकी एंट्रीज आ गई पी। चलो लास्ट में चलते हैं कॉलम नंबर 6, थर्ड कॉलम नंबर और 5 नंबर, डबल इंप्लाइज, डबल इंप्लाइज का फॉर्मूला क्या है माय डियर स्टूडेंट, डबल इंप्लाइज में अगर दोनों टी होगा तो टी, नहीं तो दोनों एफ होगा तो भी टी। चलो थर्ड नंबर एंड फिफ्थ नंबर, चलो देख सकते हैं आप यहाँ पे दोनों टी है तो टी आएगा, दोनों एफ है तो भी टी आएगा, दोनों टी है तो टी आएगा, दोनों टी है तो टी आएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, फाइनली हमें क्या मिला, तो हमने देखा ऑल द ट्रूथ वैल्यू इन द लास्ट कॉलम आर टी, हेंस इट इज टॉटोलॉजी। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आपको मार्क्स दिया जाए, 4 मार्क्स का सम होगा, तो आपको 1 मार्क कॉलम नंबर 3 पे, 1 मार्क कॉलम नंबर 5 पे, 1 मार्क कॉलम नंबर 6 पे, और 1 मार्क आपको इस फाइनल स्टेटमेंट पे मिलेगा। होप दैट आपको यह सम भी अच्छे से समझा होगा। प्रोसीड टू नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 6, अगेन ट्रूथ टेबल है, बट नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर पे 3 लेटर है, पी है, क्यू है, और आर ने भी एंट्री मारी है। इस सम को एग्जाम में 2 तरीके से पूछ सकते हैं, यूजिंग ट्रूथ टेबल वेरीफाई, और इसी सम को बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, प्रूफ दैट दिस एंड दिस आर इक्विवेलेंट। नाउ जब भी पी क्यू आर होगा, सो माय डियर स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ जो रोज होगा, नंबर ऑफ रोज दैट इज 2 रेज टू एन, दैट इज 2 रेज टू 3। ये 3 कैसे आया, ये 3 आया
बिकॉज क्वेश्चन में पी है, क्यू है, आर है, 2:3 दैट इज 8। तो आपको 8 रो होगा और प्लस 2 करना है, मैंने आपको बार बार बोला है नंबर ऑफ रो प्लस 2 कर दो, तो टोटल 10 रोज की जरूरत है। आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो हमने कितने रोज ले लिए माय डियर स्टूडेंट्स, टोटल 10 रोज हमने ले लिए। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आएंगे चेक करो, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो आपको क्या करना है, आपको सिंबल्स काउंट करना है, 1, 2, कनेक्टिव काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 5, ठीक है 5। तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था एम प्लस एन, एम प्लस एन, तो 5 हो गया, और पी क्यू आर 3 है ना, तो 5 + 3 दैट इज 8। आपको 8 कॉलम्स लगेंगे, आप देख सकते हैं नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आप देख सकते हैं हमने 8 कॉलम्स बनाए। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस आप पहले कॉलम में पी लिखेंगे, सेकंड कॉलम में क्यू लिखेंगे, थर्ड कॉलम में आर। पी के अंदर 4 टाइम्स टी आएगा और 4 टाइम्स एफ आएगा। क्यू के अंदर माय डियर स्टूडेंट्स 2 टाइम टी, 2 टाइम एफ, 2 टाइम टी, 2 टाइम एफ होगा। और आर के अंदर माय डियर स्टूडेंट्स टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ ऑल्टरनेट आएगा। पी क्यू आर ये 3 एंट्रीज फिक्स है, आप इसे चेंज नहीं करोगे ना। आफ्टर दिस इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको चेक करना है कि नेक्स्ट कॉलम क्या आएगा। तो आप लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड अगर देखो तो यहाँ सबसे पहले ब्रैकेट में क्यू एंड आर लिखा है, तो आपका कॉलम नंबर 4 बनेगा क्यू एंड आर। उसके बाद आपको पूरा बनाना है पी और क्यू एंड आर, दैट इज कॉलम नंबर 5, और इसके ऊपर आप एग्जाम में लिखोगे एल एच एस, और आप इसे सर्कल करके माय डियर स्टूडेंट्स आप इसे हाईलाइट करोगे। हाईलाइट का मतलब आप इस तरह से इस कॉलम को डार्क कर दोगे, इज दिस क्लियर। आप इस कॉलम को क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, डार्क करेंगे ना। आफ्टर दिस एल एच एस के बाद आगे चलो, आर एच एस में आप देख सकते हैं पी और क्यू, तो कॉलम नंबर 6 आपका पी और क्यू आया, पी और आर, कॉलम नंबर 7 आपका पी और आर आया, और कॉलम नंबर 8 में पूरा का पूरा राइट हैंड साइड आपको लिखना है, और उसके ऊपर लिख देना है आर एच एस। और अगेन वंस अगेन माय डियर स्टूडेंट्स कॉलम नंबर 8 को आपको हाईलाइट करना है ना। आफ्टर दैट ये सारी एंट्रीज, सिंस मैंने 2 सम आपको करा दी है ट्रूथ टेबल पे, तो होप दैट आपकी आपको एंट्रीज तो समझ में आई जाएंगी कि आगे की एंट्रीज कैसे करनी है। तो आप एंट्रीज खुद से करें और क्रॉस वेरीफाई करें। आपके कॉलम नंबर 5 की एंट्री और कॉलम नंबर 8 की एंट्री क्या होनी चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स, कॉलम नंबर 5 और कॉलम नंबर 8 की एंट्री टैली हो जाएगी। आपको फाइनल आंसर लिखना है द एंट्रीज इन कॉलम 5 एंड 8 आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब सेम, देयरफॉर करके आपको इस तरह से स्टेटमेंट लिखना है। होप दैट आपको समझा होगा। अगर माय डियर स्टूडेंट्स ये 4 मार्क्स का सम होगा तो आपको मार्क्स कहाँ मिलेगा, इफ इट इज 4 मार्क्स प्रॉब्लम यू विल स्कोर 1 मार्क ऑन कॉलम नंबर 4, 1 मार्क ऑन कॉलम नंबर 5, 1 मार्क ऑन कॉलम नंबर 8 एंड 1 मार्क ऑन फाइनल स्टेटमेंट। सो दिस इज अ 4 मार्क्स प्रॉब्लम, इस तरह से आपको ये 4 मार्क्स दिया जाएगा। प्रैक्टिस करें और ट्राई करें और फाइनली आप अपने आंसर को चेक करें। लेट अस प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द निगेशन। निगेशन इज द नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ टू डू, कैसे करेंगे निगेशन। तो निगेशन में आपको मैंने यहाँ पे 6 एग्जाम्पल्स लिए हैं, डू अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट 6 प्रॉब्लम्स, आप इसकी प्रैक्टिस बार बार करें। पहला क्वेश्चन है ऑल, माय डियर स्टूडेंट्स ऑल का निगेशन होता है सम, और अगर क्वेश्चन में नॉट है तो आपको आंसर में नॉट नहीं लिखना है, और अगर क्वेश्चन में नॉट नहीं है तो आपको आंसर में नॉट लिखना है। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑल गर्ल्स आर सिंसियर, ऑल गर्ल्स आर सिंसियर, आंसर क्या होगा, ऑल की जगह पे आपको क्या लिखना है सम, तो आंसर आएगा सम गर्ल्स आर नॉट सिंसियर, क्या लिखना है नॉट, तो ऑल को कट करके सम आएगा और नॉट नहीं तो नॉट आ जाएगा, तो आंसर आएगा सम गर्ल्स आर नॉट सिंसियर। होप दैट आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। सो द करेक्ट आंसर इज सम गर्ल्स आर नॉट सिंसियर। द अल्टरनेट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, नाउ जब भी आपको ऑल टाइप का सम होगा तो आपका अल्टरनेट आंसर इस तरह से भी लिख सकते हो, देयर एग्जिस्ट अ गर्ल हु इज नॉट सिंसियर, आप देयर एग्जिस्ट का भी यूज कर सकते हो।
आप देयर एग्जिस्ट का यूज करके भी लिख सकते हो, बट कैसे लिखोगे? देयर एग्जिस्ट अ गर्ल हु इज नॉट सिंसियर. नाउ व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन? इफ इंडिया इज प्लेइंग इन वर्ल्ड कप एंड रोहित इज द कैप्टन देन वी आर श्योर टू विन. नाउ अब ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये थ्री पार्ट्स में डिवाइड है. इंडिया इज प्लेइंग इन वर्ल्ड कप, रोहित इज द कैप्टन, और थर्ड है वी आर श्योर टू विन. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें थ्री स्टेटमेंट है. तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस को, और ये इफ देन का समय किसका है माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कनेक्टिव्स, यहाँ पे इफ लिखा है और यहाँ पे देन लिखा है. सो आप इसे सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. लेट पी, इंडिया इज प्लेइंग वर्ल्ड कप. क्यू, रोहित इज कैप्टन. आर, ही विंस. इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा? इसका सिंबॉलिक फॉर्म होगा इफ से लेके देन के बीच का जो पार्ट है वो एक साथ हो जाएगा. मतलब इफ के बाद क्या है? इंडिया इज प्लेइंग इन वर्ल्ड कप एंड रोहित इज द कैप्टन, यहां तक आपका हो जाएगा एक साथ ब्रैकेट में, और देन के बाद जो है वो दूसरा ब्रैकेट होगा. नाउ इंडिया इज प्लेइंग इन वर्ल्ड कप, ये पी हो गया, एंड का सिंबल आएगा, रोहित इज कैप्टन वो क्यू हो गया, ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा. फिर इफ देन का सिंबल आएगा माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर श्योर टू विन, वो आपका आर हो जाएगा. तो आपका सिंबॉलिक फॉर्म हो गया पी एंड क्यू इंप्लाइज आर, ये आपका सिंबॉलिक फॉर्म हो गया. नाउ आफ्टर दिस, इसके बाद अब आपको क्या करना है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, पी एंड क्यू इंप्लाइज आर, इसका निगेशन आप फाइंड करोगे, हमें निगेशन लेना है ना, इसका निगेशन क्या होगा? सो देयर इज अ फॉर्मूला. व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला है निगेशन ऑफ पी इंप्लाइज क्यू, ये एक फॉर्मूला है. व्हाट इज निगेशन ऑफ पी इंप्लाइज क्यू? निगेशन ऑफ पी इंप्लाइज क्यू इज पी एंड नॉट क्यू, ये फॉर्मूला है. तो इस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या दोगे? इसको पी समझो और इसको क्यू समझो. तो आपका आंसर हो जाएगा पी, फिर एंड लिख के इसका नॉट अप्लाई करना है, ये आ जाएगा नॉट आर. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, इसको आप सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो पी एंड क्यू, तो व्हाट इज द आंसर? पी एंड क्यू का मतलब यही हो जाएगा सेम, इंडिया इज प्लेइंग इन वर्ल्ड कप एंड रोहित इज द कैप्टन एंड नॉट आर. नॉट आर का मतलब एंड वी आर नॉट श्योर टू विन, क्या हो जाएगा? वी आर नॉट श्योर टू विन. तो व्हाट इज द फाइनल आंसर? इंडिया इज प्लेइंग इन वर्ल्ड कप एंड रोहित इज द कैप्टन एंड वी आर नॉट श्योर टू विन, दिस इज द आंसर. तो ये लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड सम है माय डियर स्टूडेंट्स, तो ऐसे सम की प्रैक्टिस आप जरूर करें. नाउ हाउ टू सिंप्लीफाई थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन क्या, आप थर्ड क्वेश्चन पे जरा ध्यान दो. थर्ड क्वेश्चन, सम ब्यूरोक्राफ्ट आर एफिशिएंट. तो सम का अपोजिट होता है माय डियर स्टूडेंट्स ऑल, तो सम को कट करके ऑल लिखेंगे. क्वेश्चन में अगर नॉट है तो आंसर में नॉट नहीं आएगा, क्वेश्चन में नॉट नहीं है तो आंसर में नॉट आएगा. आप देख सकते हैं इसमें नॉट नहीं है. तो द आंसर, ऑल ब्यूरोक्राफ्ट्स आर नॉट एफिशिएंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, ऑल द स्टार्स आर शाइनिंग. यहाँ पे आप देख सकते हैं इफ जो है वो बीच में आ गया. तो जब भी इफ बीच में आएगा माय डियर स्टूडेंट्स, जो स्टार्टिंग में है उसे आप क्यू बोलोगे, क्यू, केयरफुल रहिएगा, और इफ के बाद जो है आप उसे पी बोलोगे. इज दिस क्लियर? तो आप यहाँ पे क्या करोगे, लेट क्यू, ऑल स्टार्स आर शाइनिंग क्यू, इट इज नाइट. तो क्यू और पी डिफाइन करने के बाद आप उसे सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्यू इंप्लाइज पी नहीं होगा, इसका सिंबॉलिक फॉर्म पी इंप्लाइज क्यू ही रहेगा. केयरफुल रहिएगा, क्यों? आप सोचो ना, आप खुद ही इस स्टेटमेंट को सोचो, ऑल द स्टार्स आर शाइनिंग इफ इट इज नाइट. तो अगर नाइट टाइम है तो ही ऑल स्टार शाइनिंग ना, ऐसा तो नहीं कि स्टार शाइनिंग हो रहा है इसका मतलब नाइट टाइम है. नहीं, नाइट टाइम रहेगा तो ही स्टार शाइनिंग देगा, राइट? तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म होगा पी इंप्लाइज क्यू. नाउ व्हाट इज द निगेशन ऑफ पी इंप्लाइज क्यू? अभी अभी हमने बताया निगेशन ऑफ पी इंप्लाइज क्यू का फॉर्मूला होता है पी एंड नॉट क्यू. तो पी एंड नॉट क्यू को वर्बल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो. तो व्हाट इज द आंसर? पी का मतलब क्या हो गया, इट इज नाइट. तो आंसर आएगा इट इज नाइट एंड क्यू का निगेशन. अब क्यू का निगेशन लिखना है बट ऑल वाला है, तो ऑल को कट करेंगे. ध्यान से देखिएगा,
ऑल को कट करेंगे यहाँ सम आएगा, पर क्वेश्चन में नॉट नहीं है यहाँ पे नॉट आएगा। तो व्हाट इज द आंसर, फाइनल आंसर होगा पी। पी का मतलब होगा इट इज नाइट, इट इज नाइट एंड 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 सम स्टार्स आर नॉट शाइनिंग, सम स्टार्स आर नॉट शाइनिंग। होप दैट आपको ये सब अच्छे से समझा होगा। तो ये सब कॉम्प्लिकेटेड सम्स थे माय डियर स्टूडेंट्स, इस पे आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। अगर आपको समझने में दिक्कत हो तो आप वीडियो पॉज करके थोड़ा बैक जाके वापस एक दो बार सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फॉर ऑल। जब भी फॉर ऑल दिया होगा माय डियर स्टूडेंट्स तो फॉर ऑल का निगेशन होता है देयर एग्जिस्ट, इज दिस क्लियर। और जो सेकेंड स्टेटमेंट होगा आपको उसका निगेशन लिखना होता है। तो लेट अस सी व्हाट इज द निगेशन ऑफ फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, एन प्लस थ्री ग्रेटर देन नाइन। तो फॉर ऑल की जगह आ जाएगा देयर एग्जिस्ट, एन बिलोंग्स टू एन। आपको फर्स्ट स्टेटमेंट को टच नहीं करना है। मैंने देखा मेनी टाइम्स एग्जाम में बच्चे डज नॉट एग्जिस्ट लिखते हैं जो कि रॉन्ग है। आपको पहला वाला कंडीशन को टच नहीं करना है, कंडीशन को टच नहीं करना है। तो देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग्स टू एन कॉमा, या आप सच दैट भी लिख सकते हैं क्योंकि देयर एग्जिस्ट के साथ सच दैट आता है। तो सच दैट नाउ व्हाट इज द सेकंड स्टेटमेंट, एन प्लस थ्री ग्रेटर देन नाइन। तो उसका निगेशन होगा एन प्लस थ्री लेस देन इक्वल टू नाइन। देखो तीन चीज होती है, ग्रेटर होता है, लेस होता है, इक्वल टू होता है। तो आप देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है ग्रेटर, तो क्या बच गया, ग्रेटर नहीं आएगा ना, ग्रेटर छोड़ दो तो क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू। तो उसको कंबाइन करके लेस देन इक्वल टू बोलते हैं, इज दिस क्लियर। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन यहीं पे ऐसे होता एन प्लस थ्री इक्वल टू नाइन, तब आपका इसका निगेशन होगा एन प्लस थ्री नॉट इक्वल टू नाइन, तब ऐसा होगा। अगर इक्वल टू होगा तो नॉट इक्वल टू आंसर में आएगा, बट अगर क्वेश्चन में लेस देन है, अगर क्वेश्चन में लेस देन है तो आपके आंसर में ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा। क्वेश्चन में ग्रेटर है तो आपको लेस देन इक्वल टू आएगा, और अगर क्वेश्चन में इक्वल टू है आपका नॉट इक्वल टू आएगा। रिमेंबर इट, ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा। लेट अस कंटिन्यू नाउ क्वेश्चन नंबर 6, देयर एग्जिस्ट। तो देयर एग्जिस्ट दिया है 6 नंबर, देयर एग्जिस्ट दिया तो क्या आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, फॉर ऑल। तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा, फॉर ऑल में सच दैट नहीं लिखते, तो आपको सच दैट नहीं लिखना है, आपको इसका निगेशन लिखना है एक्स प्लस फाइव लेस देन इलेवन। तो व्हाट इज द आंसर, एक्स प्लस फाइव ग्रेटर देन इक्वल टू इलेवन। होप दैट आपको अच्छे से सम समझ में आया होगा। तो मैंने निगेशन सारे टाइप्स के सम आपको कराए हैं। प्रोसीड टू नेक्स्ट सम, राइट द कॉन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव, वेरी इंपॉर्टेंट माई डियर स्टूडेंट्स। आपको फॉर्मूला याद रखना है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉन्वर्स, द फॉर्मूला ऑफ कॉन्वर्स इज क्यू इम्प्लाइज पी। ध्यान रखिएगा, अगर पी इम्प्लाइज क्यू है तो उसका कॉन्वर्स, उसका कन्वर्स होता है क्यू इम्प्लाइज पी, उसका इनवर्स होता है, इनवर्स होता है निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू, एंड उसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है कॉन्ट्रा पॉजिटिव होता है निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी। ये फॉर्मूले आपको याद रखना मस्ट है, ये फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आप नहीं लिख पाओगे। लेट अस कंटिन्यू, ध्यान दो। नाउ फर्स्ट, अ मैन, इफ अ मैन इज रिच देन ही इज हैप्पी। आपको क्या करना है, अ मैन इज रिच ही इज हैप्पी, ठीक है, आपका पी हो जाएगा, अ मैन इज रिच क्यू हो जाएगा ही इज हैप्पी। तो यहाँ पी डिफाइन किया अ मैन इज रिच, क्यू डिफाइन किया ही इज हैप्पी। इज दैट क्लियर एवरीवन। नाउ सी हियर, इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा P implies Q, क्योंकि ये if then type का समय, ये if है और यहाँ then है, तो इसका symbolic form हो गया P implies Q. Now symbolic form में convert करने के बाद first part converse, what is converse, converse is Q implies P. Now what is Q implies P, तो आपका answer आएगा if Q then P, इस तरह से answer आएगा if Q then P, तो क्या आएगा answer, if he is happy then a man is rich. तो देख सकते हैं मैन लिखने की जगह आप ही यूज कर सकते हैं प्रोनाउन, ठीक है। व्हाट इज द आंसर, द आंसर इज इफ अ मैन इज क्यू इम्प्लाइज पी ना, तो पहले क्यू लिखना है, क्या आ जाएगा, इफ अ मैन इज हैप्पी देन ही इज रिच, देन ही इज रिच। इनवर्स, व्हाट इज इनवर्स, नॉट पी इम्प्लाइज नॉट क्यू, व्हाट इज द आंसर, इफ, अब नॉट पी लिखना है मतलब पी में नॉट डालना है, इफ अ मैन इज नॉट रिच then
ही इज नॉट हैप्पी, दैट क्लियर। नेक्स्ट क्या आएगा माय डियर स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, निगेशन क्यू इंप्लाइज निगेशन पी। सो व्हाट इज द आंसर, इफ इफ अ मैन इज नॉट हैप्पी देन ही इज नॉट रिच। होप दैट आपको समझा होगा कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव। नाउ माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने सेकंड सम आपको एक्टिविटी के लिए दिया है, कभी कभी आपको ये सब एक्टिविटी में भी पूछा जा सकता है। सो एक्टिविटी में आप देख सकते हैं देयर आर दिस बॉक्सेस, आपको ये बॉक्सेस फिल करना है, ट्राई योर सेल्फ। नाउ माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट सम क्वेश्चन नंबर 9, रिप्रेजेंट द ट्रूथ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय वेन डायग्राम। फर्स्ट, सम हार्डवर्किंग स्टूडेंट्स आर ओबीडियंट। आपको इसका क्या बनाना है माय डियर स्टूडेंट्स, आपको इसका वेन डायग्राम बनाना है। व्हाट इज द आंसर, आप ध्यान से देखिए आंसर क्या आएगा इसका। ना सबसे पहले आपको क्या करना है, वेन डायग्राम में आपको लेट यू डिफाइन करना है, व्हाट इज यू। आप देख सकते हैं यहाँ पे कीवर्ड क्या है, यहाँ पे कीवर्ड है हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स एंड ओबीडियंट स्टूडेंट। तो आप पहले, स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट ह्यूमन बींग है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो आप यू लिख देने का, सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग, सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। अगर आपको कुछ नहीं समझता तो आप ये लिखो। ना माय डियर स्टूडेंट्स क्या करोगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ दो कीवर्ड है, एक हार्ड वर्किंग है और दूसरा ओबीडियंट है। तो आपका यू आएगा सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, एच आएगा सेट ऑफ ऑल हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स, और ओबीडियंट के लिए लेट सेट ऑफ ऑल ओबीडियंट स्टूडेंट। ना आपको माय डियर स्टूडेंट्स इस तरह से वेन डायग्राम बनाना है, ये हार्ड वर्किंग हो गया, ये ओबीडियंट हो गया, और आपको शेड करना कंपल्सरी है। अगर आप शेड नहीं करोगे तो आपको जीरो मार्क्स मिलेगा। नाउ इफ इट इज 3 मार्क्स प्रॉब्लम, तो आपको 1 मार्क माय डियर स्टूडेंट्स इस स्टेटमेंट पे मिलेगा, यू एच ओ, इस पे आपको 1 मार्क मिलेगा, 1 मार्क आपको वेन डायग्राम पे मिलेगा, और आपको 1 मार्क ये फाइनल स्टेटमेंट भी लिखना है, उस पे 1 मार्क मिलेगा। व्हाट इज द फाइनल स्टेटमेंट, द अबव वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेड द ट्रूथ ऑफ गिवन स्टेटमेंट एच इंटरसेक्शन ओ नॉन एम्प्टी, एच इंटरसेक्शन ओ एम्प्टी नहीं है। इज दिस क्लियर। नेक्स्ट सम सेकेंड, नो सर्कल्स आर पॉलीगॉन। आपको यू डिफाइन किया, पी डिफाइन किया, सी डिफाइन किया। व्हाट इज यू, द सेट ऑफ ऑल क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर इन अ प्लेन। ठीक है, अब यहाँ पे दो कीवर्ड है, एक कीवर्ड है सर्कल, दूसरा कीवर्ड है पॉलीगॉन। तो व्हाट इज पी, सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन। व्हाट इज सी, सेट ऑफ ऑल सर्कल्स। नो, जब भी नो आएगा की, यहाँ पे टेक्निक क्या है, यहाँ पे ट्रिक क्या है डियर स्टूडेंट्स, जब भी नो आएगा तो आप सर्कल और पॉलीगॉन के सर्कल्स को इंटरसेक्ट नहीं करोगे। जब भी नो आएगा आपके दो सर्कल बनेंगे और दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। कीप इन माइंड दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर। नाउ ये यू हो गया, ये पी हो गया, ये सी हो गया, यहाँ पे शेडेड रीजन नहीं आएगा, क्यों इंटरसेक्ट नहीं करा तो शेड होगा ही नहीं। एंड व्हाट इज द फाइनल आंसर, द अबव वेन डायग्राम रिप्रेजेंट द ट्रूथ वैल्यू पी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू एम्प्टी, दैट इज द सेकंड वेन डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे हम थर्ड क्वेश्चन कवर करेंगे इसका। नाउ ऑल टीचर्स आर स्कॉलर एंड स्कॉलर्स आर टीचर। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे यू क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, पी हो गया सेट ऑफ ऑल टीचर, एस हो गया सेट ऑफ ऑल स्कॉलर्स। इज दैट क्लियर, द अबव वेन डायग्राम एक्सप्रेस ट्रूथ ट्रूथ ऑफ ईच। यहाँ पे क्या बोला गया है, ऑल टीचर्स आर स्कॉलर, सारे टीचर स्कॉलर हैं और सारे स्कॉलर बच्चे टीचर हैं, जितने भी टीचर हैं सब स्कॉलर हैं और जितने स्कॉलर लोग हैं सब टीचर हैं। ओके, सो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका एक ही डायग्राम बनेगा, एक ही सर्कल बनेगा, वही टी है और वही सर्कल एस है, सेम सर्कल टी है और सेम सर्कल एस है। तो आपको सर्कल के अंदर लिखना है टी इक्वल टू एस, और लास्ट में लिखना है द अबव वेन डायग्राम रिप्रेजेंट ट्रूथ ऑफ गिवन स्टेटमेंट टी इक्वल टू एस। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन ऑन वेन डायग्राम, इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज रोम्बस देन इट इज अ पैरेललोग्राम। इफ क्वाड्रिलेटरल इज रोम्बस, यहाँ पे वर्ड क्या है, रोम्बस, दूसरा वर्ड क्या है, पैरेललोग्राम। माय डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। तो मेरे डियर प्यारे प्यारे बच्चों, आप ये लिखे हुए स्टेटमेंट पे मत जाओ, आप यहाँ पे कॉमन सेंस यूज करो कि एवरी पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस, हर पैरेललोग्राम जो होता है वो रोम्बस होता है।
जितने भी रोम्बस, सॉरी एवरी रोम्बस, सॉरी 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 एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, हर रोम्बस पैरेललोग्राम कहलाता है, जितने भी रोम्बस हैं सारे पैरेललोग्राम कहलाएंगे, बट ऑल रोम्ब ऑल पैरेललोग्राम इज नॉट अ रोम्बस, सारे पैरेललोग्राम को हम रोम्बस नहीं बोलेंगे, बट जितने रोम्बस हैं वो पैरेललोग्राम होंगे ही होंगे, इज दैट क्लियर? तो क्या होगा, ये अगर पैरेललोग्राम है तो रोम्बस कहाँ होगा, रोम्बस अंदर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि जितने भी रोम्बस है वो तो पैरेललोग्राम है ही है, तो ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, इज दिस क्लियर? तो इन्होंने क्वेश्चन क्या दिया है, इन्होंने क्वेश्चन दिया है इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज रोम्बस देन इट इज अ पैरेललोग्राम विच इज इक्विवेलेंट टू ऑल रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, एवरी बोलो या ऑल बोलो, ये क्वेश्चन जो हो गया इसके इक्विवेलेंट हो गया कि ऑल रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। तो ऐसे केस में आपका रोम्बस अंदर जाएगा, पैरेललोग्राम का सर्कल बढ़ाएगा, और रोम्बस को क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स, रोम्बस को आपको शेड करना है, और आपका स्टेटमेंट क्या आएगा, आर जो है वो कंप्लीटली पी के अंदर है, तो आर इज प्रॉपर सबसेट ऑफ पी, ये आपका स्टेटमेंट होगा। सो डू प्रैक्टिस ऑफ दिस टाइप ऑफ सम्स। तो 12 क्वेश्चंस हो गए, 13th क्वेश्चन, नाउ रिप्रेजेंट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय द वेन डायग्राम, सम नॉन रेसिडेंट इंडियंस आर नॉट रिच, सम नॉन रेसिडेंट इंडियंस आर नॉट रिच, हाउ टू डू, कैसे करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले यू डिफाइन किया सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स, चलो यहाँ कीवर्ड क्या है, यहाँ कीवर्ड है नॉन रेसिडेंट इंडियंस, और दूसरा वर्ड आप लोगे रिच, तो रिच लेना है। तो देखो यहाँ पे जो एन हो गया ये हो गया नॉन रेसिडेंट इंडियंस, और यहाँ पे जो आपका आर हो गया वो रिच हो गए, क्वेश्चन में क्या बोला है नॉट रीच, तो ये आप देख सकते हैं नॉट रीच मतलब ये रेड वाला सर्कल को छोड़ के सब, रेड वाला सर्कल छोड़ के सब, तो रेड वाला सर्कल छोड़ा तो ये नॉन रेसिडेंट इंडियंस हो गए। बाहर का एंट्री क्यों नहीं आएगी, क्योंकि बाहर जो है वो रेसिडेंट इंडियंस हो जाएंगे, क्योंकि नॉन रेसिडेंट इंडियंस तो ये सर्कल में ही है ना, और हमारे क्वेश्चन में क्या है नॉन रेसिडेंट होना चाहिए और नॉट रीच होना चाहिए, तो रीच को छोड़ दो, नॉन रेसिडेंट को सर्कल कर दो, शेड कर दो। तो होप दैट आपको ये सब अच्छे से समझा होगा। स्टेटमेंट क्या आएगा, स्टेटमेंट ये आपका आर है माय डियर स्टूडेंट, दिस इज आर, तो आपका आंसर आएगा एन माइनस आर नॉन एम्प्टी। सो दिस आर द 13 क्वेश्चंस ऑन लॉजिक चैप्टर, होप दैट आपको लॉजिक चैप्टर के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे।